पर हम टेंट नहीं लगाया था, सॉरी, मैं रोज टेंट लगाती हूँ ना, भूल गई। आज हम कमरे में रुके थे भाई के, भाई का बोला उन्होंने कि एक रूम है, बट देखा तो 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, कहते हैं एक रूम है, पीछे आ रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। मेन बात तो है ना, ये एकदम आखिरी अपार्टमेंट है। देखो, इसके आगे पीछे आपको कोई घर नहीं दिखेगा, इतना सुंदर घर है। और ये अकेले रहते हैं, और क्यों आया पता है इधर? क्योंकि उनको पीस चाहिए था। बैठ जाओ जल्दी, देखो गाड़ी में बैठ रहे हैं। आज बहुत पॉजिटिव लग रहा है आज, बहुत बैग पूरा रीअरेंज कर रहा है, फ्रेश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है पूरा बैग, हमने रीअरेंज किया और एक बैग के साथ जा रहे हैं पूरी। है देखो मजा आ रहा है यार। हाँ, मैं एक सजेशन जरूर दूंगी सबको कि एक बैग के साथ आप है ना आसपास के इलाके घूम सकते हो आराम से, है ना। टिफिन पैक कर लो। ये मोड़ी सॉरी, ये रोज ऐसे बोलती है, अम्मड़ी अपड़ी, इसका मतलब बताओ क्या होता है? मतलब नहीं, तुम मत बताओ। अच्छा, मैं नहीं बताऊँ? अच्छा, इनको बोला आपने, व्यूअर्स को? मोड़ी चलो चलो चलो, गाड़ी मारी हो गई है, इतना मजा आता है यार। रोज हर दिन हमको ऐसे ही निकलता है। हमारे सामने ही हाईवे दिख गया है हमें। देखो हवा की आवाज आएगी, हवा की आवाज आएगी, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। ऐसे लोकल लोगों को नमस्ते किया करो, अच्छा लगता है। ट्रक्स में जाने से ना आपको ऐसे इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। अभी जैसे वो पीछे वाले ट्रक में बहुत सारे स्कूल के बेंच थे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जगह पे इंटरस्टेट ट्रैवल करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके स्टेट में कब क्या आ रहा है और कब क्या जा रहा है। अगर आपको ये सब जानना है तो ट्रैवल करो। वैसे एक आपको टिप बताऊं। हाँ। वो जो किचन होता है ना, किचन के अंदर आप वो स्कूल वाला डेस्क रखोगे ना। हाँ। वो कटिंग चॉपिंग के लिए सबसे कम स्पेस घेरता है और कंफर्टेबल। हाँ, और आराम से डाइनिंग भी बन जाता है, वही डाइनिंग टेबल भी बन जाएगा। इसीलिए डेस्क रखा करो, टेबल वेबल मत लाओ। हाँ, आप डाइनिंग टेबल से अच्छा है ऐसे स्कूल के डेस्क होते हैं ना, वो बढ़िया लगते हैं, खाने में भी कम्फर्टेबल और बनाने में भी आप कुछ भी रख के बना सकते हो, पढ़ भी सकते हो। बहुत लोगों को शौक रहता है खाते खाते पढ़ना, तो खाते खाते आप पढ़ भी सकते हो, मोबाइल भी देख सकते हो, मोबाइल भी चला सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब मोबाइल चलाते हैं। चलो बाय बाय, हाईवे पहुँचने वाला है अभी। आपसे एक कैमरा को बंद करने का, हवा आ रही है, बाद में बात करते हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसी पूरी तक जाएंगे, लगभग 60 किलोमीटर के अंदर ही आज का टारगेट। और एक ही बैग है तो मज़ा आ रहा है। मैं जरूर सजेस्ट करूँगी आपको कि एक बैग के साथ आप यात्रा करो, बहुत बढ़िया लगेगा। एक टिफिन, टॉवल और पानी का बॉटल और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी लगे, बुक रीड करते हो तो बुक, या फिर मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, पावर बैंक रख लो और निकल जाओ एक दिन के ट्रिप पर, मज़ा आएगा बहुत। और ये पानी है, पानी किस चीज का है? ये दही का पानी, ये नया देखा, जैसा लगता है छाछ जैसा, छाछ है। हाँ, ये दही बड़ा फीलिंग भी दे दे इसके ऊपर कुछ, तो उन्होंने रेड कलर का एकदम तीखा वाला डाला था, बोला कि और तीखा लगेगा और अच्छा लगेगा। 30 रुपए का है ये प्लेट। आप हाईवे पे कहीं पे भी जाकर, हाईवे पे, हर स्टेट्स के हाईवे पे ना उनका प्रसिद्ध खाना ऐसे बिकता है। ओडिशा में जैसे ये है, तमिलनाडु में इडली वड़ा, नॉर्थ साइड में जाओगे पराठे, ऐसे लोकल फूड हाईवे में मिल जाते हैं और सस्ते रहते हैं। तो आप कहते हो ना गुजारा कैसे होता है, खाना पीना कैसे होता है, ऐसे हाईवे साइड में छोटे छोटे ऐसे हट्स लगे होते हैं, बढ़िया लगता है खाने में, मज़ा आ जाता है। और लोग भी इतने अच्छे से एंटरटेन करते हैं हमें, बात करते हैं हमसे, बड़ा मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट हो गया 30 रुपए में, अनलिमिटेड वो दही बल्ले, दही वड़े, दही बड़ा बोलते हैं उसको, बढ़िया लगा था। अभी हम जा रहे हैं पूरी की तरफ, ये 3 किलोमीटर आगे तक छोड़ देंगे हमें, मजा आ रहा है। मोडेस्टी जा रहे हैं हम, लगभग 3 किलोमीटर दूर है वहाँ जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये देखो कितना सुंदर रास्ता है, मजा आ रहा है। और देखो
स्तूपा धौली। अच्छा ये वही जो हम अभी बुद्धा अभी हम एक बुद्धा वो देख के आए हैं, हम आते हुए वापस फिर विजिट करेंगे। फिलहाल हमने हमने देख लिया पूरा रोड देखा, काफी लड़कियों का क्राउड था वहाँ पे, टूरिज्म काफी है। बहुत कल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम जाते हैं आगे। आप पूरी पहुँचे फिर मैं आपको पहुँच जाएंगे, चलिए बाय बाय। हाँ जरूर जरूर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओए माँ गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही है, मजा आ रहा है यार, कितना हल्का लग रहा है। ये बैग की वजह से भी फ्रेश है, अंदर से भी सही है, और अच्छे लोग मिल रहे हैं हमें, पेट पेट भरा हुआ है। अरे यार, और हमें लाइफ में क्या जरूरत है, हमको पॉजिटिव लग रहा है, पेट भरा हुआ है, वस्त्र है हमारे पास, और क्या चाहिए, खुश है हम, और क्या चाहिए, मजा रहे मजा रहे। चलिए पूरी जा रहे, पूरी जा रहे, क्या बात है, पूरी के पहले लिफ्ट बोर्ड की गाड़ी मिल गई, पूरी की मिल गई, डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई यार, क्या बात है। ये एंगल सही लग रहा है, ऊपर देखना जरा, है ना, ये एंगल नहीं, ये एंगल सही लग रहा है। बोर्ड बनवाया, अरे मैंने ये ट्रांसपेरेंट बनवाया था, पता नहीं ब्लैक कैसे आ गया, ये मैं व्हाइट पे चाहता था, मैंने पूरी कलरिंग जो करी ना, मैंने ये सब व्हाइट के हिसाब से करी थी, वरना मैं ये येलो से करता, अगर ब्लैक होता ना तो ये येलो सबसे बेस्ट लगता। अच्छा, तो ये कलरिंग मैंने जो करी वो पूरी ट्रांसपेरेंट के हिसाब से करी, कि व्हाइट पे निकालूंगा तो व्हाइट पे आएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड में पता नहीं ब्लैक ब्लैक आ गया, काली गोभी, लेकिन ये बेस्ट है, ये देखो ये वाले सही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज वाइब्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना, हमारा हर एक दिन ऐसे ही जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम मेंटली चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते, जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना, आपको छोटी से छोटी बात भी बहुत अच्छी लगेगी। उसका रीजन पता है एक और है सरस्वती, आज हमें बहुत कम किलोमीटर करना है, हाँ। कम किलोमीटर रहता है ना, हम लाइट रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं, और प्लस हमारे पास बोझ भी नहीं है, दो बैग्स हम कैरी करते हैं, कैंपिंग टेंट कैरी करते हैं, बट आज हमने कैंपिंग टेंट भी कैरी नहीं किया, क्योंकि हमको पता है अगर आगे जाके हमारा कोई लोकेशन नहीं बैठा तो हम रिटर्न भी आ सकते हैं, हां वो भी है, है ना। तो आप भी अगर यात्रा करना चाहो, अगर शुरुआत भी करना चाहो ना, आपके आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर कहीं भी आप जाओ, एक बैग है, देखो ऐसा वाला बैग हमारा, देखो ये इनका बैग है, ये मेरा बैग है, ऐसा एक बोर्ड रख लो, और आप सब चीजें आपकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, खाना पीना वो सब रख लो, मजा आएगा। दोनों में लो ना, मैं कट कर दूंगी, पूरी धाम लिखा है उसमें। पूरी पूरी में हमारी एंट्री हो गई है भाई, हाँ पहुंच गए पूरी, अभी कहाँ उतरना चाहिए, आप एक काम करो पहले वो गोल्ड फ्लैग बीच कुछ है, बीच, हाँ पहले बीच चलते हैं भाई, हाँ वो वहाँ पे एक बार भाई वहाँ पे घूम लो, हाँ। उसके बाद फिर वो मरीन ड्राइव रास्ते पे एक मरीन ड्राइव, हाँ ना वो रास्ते पे भी आप घूम लो, हाँ। फिर 2:30 बजे तक आप चले जाना मंदिर, चलो भाई पहले बीच, भाई सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले बीच पे अभी ये छोड़ देंगे, हमें गोल्डन फ्लैग बीच छोड़ देंगे, और मरीन ड्राइव है, और तो फिर बाद में थोड़े से बाद में लंच के आसपास बाद में हम मंदिर जाएंगे, और पूरा वही है, मतलब काफी कोकोनट वाला भी आ गया, और बीच वाला पूरा फील शुरू हो गया, लगता है बीच के पास पहुंच गया, ऐसा लग रहा है, और इतने जल्दी जल्दी में सब हो रहा है ना, स्मूथली एकदम, हमारे सुबह निकलने से लेके अभी तक इतना स्मूथ जा रहा है दिन यार, सच में बता रही हूँ, घर से निकल जाओ यार, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बता रही हो, दोबारा बताओ, मैंने कहा घर से निकल जाओ बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, बाय बाय, मम्मी का फोन आ रहा है, बाय बाय, देखो मम्मी वीडियो कॉल कर रही है, बात करोगे मत करोगे मत करोगे। तो मैं भुवनेश्वर से पुरी पहुंच गए, देखो पुरी का बीच कैसा लग रहा है आपको भाई, पुरी गुजरात से पुरी पहुंच गए, गुजरात से लगभग 20-22 दिन लगे हमें, पहुंच गए पुरी। अरे पहले सामान तो निकाल लो, इनको बाय बाय नहीं बोलना, सामान तो निकालो, बैग ले लो, ऐसे रखना नहीं चाहिए, बट हम उतर रहे हैं अभी, चलो बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच भाई, एक फोटो लेते हैं, हाँ जरूर जरूर फोटो लेंगे अभी एक। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, फोटो ले लेते हैं। 1 किलोमीटर हम पूरी के बीच में चले, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यार, देखो वहाँ
पे 500-600 रुपए के मिल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ एक खरीद लो और नहा के आ जाऊँ। मैंने एक्चुअली लेगिंग्स लिया था इस बार ना घर से निकलते वक्त, तो स्पोर्ट्स के जो पैंट है और लेगिंग्स में यही अंतर है कि स्पोर्ट्स के पैंट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते, बट जो लेगिंग्स होता है जो हम पहनते हैं कुर्ते के नीचे वो फट जाता है। हाँ उसी दुकान में, हाँ बैग भी रख देंगे क्योंकि हमारे के लिए बैग रखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है अभी, तो हम बैग भी रख देंगे। मैं पैंट ले लूँगी फिर पानी में मस्त नहा के जाके चेंज कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे भुवनेश्वर। चलो देखते क्या करते हैं। आपका पूरी में आपका स्वागत है।